नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर बजरंग और आप तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक बड़ी ही खास और खूबसूरत पाठ मंगर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। यह मंगर पाठ एक शब्द चित्र है, एक रेखा चित्र है। इसे हम पढ़ें, इसके सारांश को जानें। इससे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ वजह से जो किताब हमारे सामने में पलटी हुई है उसमें क्या है कि हल्की फुल्की गड़बड़ियाँ हैं, इसलिए मैं आपको सीधे गूगल पर लिए चलता हूँ और मैंने राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में गूगल करके आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, आपके सामने में है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म हुआ वो 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में, और मृत्यु इनकी 7 सितंबर 1968 को हुई थी। ठीक है, 7 सितंबर 1968 को मुजफ्फरपुर में ही। दरअसल इनका जन्म जो है मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है बेनीपुर। ठीक है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था और इसीलिए वो अपने गांव के नाम पर ही अपना नाम राम वृक्ष में बेनीपुरी जोड़ लिए थे। ठीक है, जहाँ तक इनके जिंदगी का सवाल है तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन रहे उसमें ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। ठीक है, और आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही हैड स्पेंट, उन्हें गुजारने पड़े 9 ईयर्स, 9 साल इन प्रिजन कैद में, फॉर फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ते हुए वे कितने वर्ष गुजारे, 9 वर्ष गुजारे जेल में ही। ठीक है, जहाँ तक अलग अलग आंदोलन का सवाल है जिसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, तो उसमें किसान महासभा है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जनऊ तोड़ो अभियान, ठीक है, तो ये सब आंदोलन रहे जिसमें कि ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, गौर करिएगा, एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में खादी का तिरंगा लेकर चलने वाले बेनीपुरी के साहित्य का अधिकांश भाग जेल की सलाखों के पीछे रचा गया। ठीक है, गद्य साहित्य की अलग अलग तरह के सजीव औजपूर्ण शैली इन्हें प्रथम श्रेणी में रखने को बाध्य करता है। मतलब बताता है कि ये कोई छोटे मोटे तरह के रचनाकार नहीं थे, बहुत बड़े रचनाकार थे। हालांकि इनकी पढ़ाई ऐसी मानी जाती है कि वो मैट्रिक तक पास थे, लेकिन अभी अभी जैसा कि हम लोग गूगल में देख पा रहे थे, अभी फिर से हम लोग देखते हैं इनकी के बारे में जो एक सही जानकारी है, वो जानकारी ये बताती है कि इनकी जो एजुकेशन रही है, इनकी जो शिक्षा रही है, ये देखिए यहाँ पर शिक्षा के बारे में दिया हुआ है, 9 स्टैंडर्ड, यानी ये 9वीं तक ही पढ़े हुए थे। राम वृक्ष बेनीपुरी सिर्फ 9वीं तक की ही पढ़ाई किए थे। एजुकेशन देख रहे हैं, एजुकेशन लिखा हुआ है 9 स्टैंडर्ड, कहाँ तक पढ़े थे, 9वीं तक पढ़े हुए थे। अच्छा, जहाँ तक अवार्ड्स का बात है, नोटेबल अवार्ड्स, अवार्ड्स तो ढेर सारे मिले, लेकिन जो प्रमुख जो अवार्ड्स पुरस्कार हैं वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इन्हें, फॉर कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, साहित्य में योगदान के लिए, फ्रॉम राष्ट्र भाषा परिषद, है ना, राष्ट्रभाषा परिषद से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला भाषा को, साहित्य को योगदान देने के लिए। ठीक है, तो इनकी लिखी हुई रचनाएं जो हैं वो है पतितों के देश में, जैसे है अम्बापाली है, उड़ते चलो है, ये सब इनकी बेनीपुरी ग्रंथावली है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे हैं संपादक के रूप में भी आपने तरुण भारत, एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी उसमें वो संपादकीय लिखे, किसान मित्र नाम का साप्ताहिक पत्रिका आती थी उसमें भी वो लिखते थे, बालक मासिक पत्रिका आती थी, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता, हिमालय, नई धारा, चुन्नू मुन्नू इत्यादि का संपादन किया। ठीक है, संपादकीय में मुक्त एवं निर्भीक विचार देते रहे, मतलब जो मन में आता था और सच्चाई भरी बात होती थी वो एकदम निर्भीकता से रखते थे वो। आपकी प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाओं की संख्या 60 से अधिक है, जिसमें कुछ किताबें प्रकाशित हुई और कुछ कुछ अप्रकाशित ही रह गई। ठीक है, तो ये सब आप बंटवा रहे हैं, है ना, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंघल विजय, शकुंतला, रामराज्य, है ना, तो ये सब इनकी जो है उल्लेखनीय पुस्तकें हैं, है ना, नोटेबल बुक्स हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, मंगर शब्द चित्र का सारांश लिखिए, यानी मंगर पाठ का सारांश लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर कहे जाते हैं। हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है, कलम के जादूगर, तब लिख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर कहे जाते हैं। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए
14 बार जेल जाने वाले प्रथम पत्रकार थे, संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, और एक आले दर्जे के कवि रहे, है ना। तो कितने बार वो जेल गए आज़ादी के संघर्ष में? 14 बार जेल जाने वाले प्रथम पत्रकार रहे थे, प्रथम लेखक रहे थे, ठीक है। साहित्य भी उन्होंने कम नहीं लिखा, समाजवाद का भी कम असर उन पर ना था, पूरे समाज से जुड़ा हुआ वाले लेखक थे, ठीक है। मंगर बेनीपुरी जी का एक जीता जागता शब्द चित्र है, शब्दों से खींचा गया चित्र है, ठीक है। मंगर जो पाठ है उसमें हम आप लिख सकते हैं, ये आप चाहें तो इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि मंगर जो पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत मंगर एक कृषक मजदूर था, मंगर नाम का एक एक कृषक मजदूर रहता है, एक हलवाहा रहता है, ठीक है, जो लेखक के यहाँ काम करता रहता है। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, मतलब वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे ज़्यादा, भगवा होता है ना, जैसे पहलवान सब जो कपड़ा एक लपेटे रहते हैं बस, तो उसी को भगवा कहा जाता है, लाल रंग का या कोई रंग का कपड़ा जो पहने रहते हैं पहलवान लोग, उसी को भगवा कहा जाता है। तो मंगर जो चरित्र है इस पाठ के अंदर, उसका हट्टा कट्टा शरीर रहता है, कमर में भगवा रहता है, और कंधे पर हल, हाथ में पैना रहता है एक ठो लाठी, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज़ के हास से ही बैलों को भगाता, खेतों की ओर सुबह सुबह जाता। ये कौन रहता है इनका? मंगर, रामवृक्ष बेनीपुरी का नौकर रहता है, ठीक है, हलवाहा रहता है। तो इस पाठ के लिए हम आप लिख सकते हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ, कि अपनी आवाज़ के हाहा से ही बैलों को भगाता, खेतों की ओर सुबह सुबह चला जाता था। ये कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का नौकर रहता है, मंगर हलवाहा रहता है, ठीक है। तो आप इसका सारांश कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित मंगर नाम के पाठ में मंगर एक व्यक्ति, एक हलवाहा, एक या फिर एक कृषक मजदूर रहता है, उसका हट्टा कट्टा शरीर रहता है, कमर में भगवा लपेटे रहता है, कंधे पर हल है, हाथ में पैना रखे रहता है, आगे आगे बैल का जोड़ा जाता है, और अपनी आवाज़ के हाहास से ही बैलों को भगाते हुए खेतों की ओर वह सुबह सुबह चला जाता है, ठीक है। मंगर स्वाभिमानी था, ठीक है, यानी कि जितना ही है गरीबी है लेकिन अपने ही स्वाभिमान में रहता था, मतलब किसी के चीज़ों पर ललचाया वगैरह नहीं करता था, मतलब हमारे पास जितना ही है उसी में काफ़ी खुश, उस तरह का व्यक्ति था, ठीक है। मंगर का स्वाभिमान गरीबों का स्वाभिमान था, मंगर का स्वाभिमान गरीबों का स्वाभिमान, है ना। मंगर ने किसी की बात को कभी बर्दाश्त नहीं की, ठीक है, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं करता था, ठीक है, समझता था कि हम गरीबी हैं लेकिन हम अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, हम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो भी है तो वही हमें काम देगा, ठीक है। मंगर का यह हट्ठा कट्ठा और उससे भी अधिक उसमें सख्त कमाऊपन था, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे, हट्टा कट्ठापन था, है ना, सख्त कमाऊपन था, एकदम जो काम है उसमें एकदम लगे रहना, ये था उसमें, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, है ना, मगर इतने देर में वो इतनी लगन से मेहनत करता था कि वो 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता था कि पहले चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल होता था, मतलब एकदम अच्छी तरह से मिट्टी को तोड़ तोड़ देता था, इस तरह से चास बनाया करता था खेत का, जिससे कि फसल अच्छी तरह से लग सके। मंगर की अर्धांगिनी का नाम, यानी पत्नी का नाम, भगोलिया था, समझ गए आप लोग कि मंगर जो है स्वाभिमानी था, उसको जो जितना ही है उतना ही में वो काफ़ी अपने आप को अच्छा समझता था, है ना, और कभी भी किसी की बात को वो बर्दाश्त भी नहीं करता था, वो अपने आप को ही शायद सबसे बड़ा अपने आप को ही बड़ा समझता था, मन से मानता था, है ना, और मेहनती काफ़ी ज़्यादा था, और जितना देर में कोई दूसरा 10 कट्ठा खेत जोतेगा उतना देर में वो 15 कट्ठा खेत जोत लेता था, ठीक है, और ऐसे जोतता था जिसका कोई जवाब नहीं था। मंगर की अर्धांगिनी का नाम, यानी पत्नी का नाम, भकोलिया था। मंगर की पत्नी का नाम क्या था? अर्धांगिनी का नाम भकोलिया, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। मंगर को 1.5 रोटी खाने को मिलती थी, कितनी रोटी खाने को मिलती थी? 1.5 रोटी, तो आधी को 2 टुकड़े कर, 1.5 रोटी में आधी जो रोटी मिलती थी उसको 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता था,
किनके बैल को? राम वृक्ष बेनीपुरी के बैल को। और वो कहा करता था कि महादेव मुंह ताके और वह खाए, यह कैसे होगा? दोस्तों, महादेव इस पाठ के अंतर्गत जो मंगर है वो महादेव बैल को कह रहे हैं। तो बैल के बारे में मंगर कहता रहता है कि महादेव मुंह ताके और वह खाए, यह कैसे होगा? मंगर के लिए यह बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। मंगर के नज़र में ये साक्षात महादेव थे। मंगर का स्वभाव रूखा और बेलौस रहा है, एकदम रूखा, क्रूर टाइप का तो नहीं लेकिन रूखा, रूखे तरह का, है ना, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, अपने ही काम में लगे रहना, है ना। तो वो किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाए लपटाई नहीं, मतलब किसी का चमचागिरी नहीं है कि नहीं। दो टुक बात करता था और चौ टुक व्यवहार करता था, मतलब ज़्यादा काम में लगा रहता था और बातें कम। मंगर बेनीपुरी जी को बड़ा प्यार करता था। आपको बताता चलूँ कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जो पिताजी थे और माताजी, उनका बचपन में ही देहावसान हो गया था और वो पहले से ही मंगर उनके यहाँ काम करता था, तो इसलिए वो बेनीपुरी जी को बड़ा प्यार करता था। ठीक है, मंगर कपड़ा भी कम ही पहनता था, पता ही है आपको, पहले भी बताया है कि वो हमेशा में बस कमर में भगवा ही लपेटे रहता था, छोटा सा कपड़ा बांध लेते थे पहले ज़माने में लोग, जैसे पहलवान सब जो बांधता है वो वाला लपेटे रहता था। हालांकि हर साल उन्हें धोती दी जाती थी, है ना, कपड़े दिए जाते थे रामवृक्ष बेनीपुरी के यहाँ से, लेकिन वो भगवा ही लपेटे रहता था। ठीक है, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। ठीक है, काला कलूटा था फिर भी खूबसूरत था, काला कलूटा था फिर भी खूबसूरत था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह गलती से आ गए हैं। ठीक है, एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना हुआ था, एकदम हृष्ट पुष्ट जो सुविकसित मानव होता है उस तरह का व्यक्ति लग रहा था वो। लगातार की गई मेहनत के कारण से उसकी जो मांसपेशी थी तो उसके स्वाभाविक ढंग पर उभार आ गया हुआ था, मतलब नहीं हड्डी जैसे, हड्डी का जो नस होता है, नस जो होता है शरीर का, वो जो निकल निकल जाता है काफी मेहनत करने से, देखे होंगे मजदूर सबको निकला रहता था उस तरह से था। सूखी हार ठाठ भई भारी, अब का लदव है व्यापारी। समझ रहे हैं बात, ये कहावत है, सूखी हार ठाठ भई भारी। जब उम्र ज़्यादा हो जाती है मंगर की तो उस समय में वो कहता है कि सूखी हार ठाठ भई भारी, सूखी हार है और ठाठ जो है भारी हो गई है, अब का लदबो है व्यापारी, अब कितना दिन चलोगे, अब कितना दिन जी पाएंगे, है ना। वह गरीबी को अपने अक्खड़पन से धता बताए रहता। धता बताना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है हटा कर रखना। ठीक है, तो वह गरीबी को अपने अक्खड़पन से, अपना जो एक दमखम के साथ मेहनत करना जो था, किसी का रौब नहीं समझना जो था, उस सब से वो गरीबी उसमें थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको दूर करके रखता था, लगता नहीं था कि उसमें गरीबी है। ठीक है, गरीबी के बाद भी वो गरीबी को नज़र में छिटकने नहीं देता था, है कि नहीं। वह गरीबी को अपने अक्खड़पन से, है ना, धता बताए रहता। धता बताना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है दूर रखना, दूर रखे रहता था, लगता ही नहीं था कि उसमें गरीबी है काफ़ी। बुढ़ापे के लिए उसने कभी बचत नहीं की, है ना, कोई संतान भी नहीं थी जो बुढ़ापे में उसके लिए लाठी का सहारा बनता। ठीक है, उसकी बेलौस बोली के कारण कोई उस पर दया भी नहीं करता था, जो भी बोलना होता था मुँह फट तक की तरह बोल देता था, है ना, तो इसलिए कोई दया भी नहीं करता था। बुढ़ापे में उसकी अर्धांगिनी भकोलिया ने साथ दिया। मंगर भकोलिया की आदर्श जोड़ी थी, मंगर और भकोलिया की जो जोड़ी थी वो आदर्श जोड़ी थी, एक अच्छी जोड़ी थी, है ना। भकोलिया का रंग जमुनिया काला था, उसका स्वभाव भी मंगर से मेल खाता था। भकोलिया मंगर की पूरी ईमानदारी से सेवा करती थी। मंगर को अर्धांग मार गया, अर्धांग समझते हैं ना, मतलब उसको जो है ना एक लकवा जो होता है ना, तो उस तरह का जो है वो हो गया। ठीक है, फिर भी उसमें उफान थी ही, उसमें कमी नहीं आई। ठीक है, शरीर से वो परेशानी में आ गया था लेकिन फिर भी उसमें उफान थी। एक दिन उसका निधन हो गया, मृत्यु हो गई, एक कारुणिक निधन, एक करुणापूर्ण, एक रोने लायक निधन कहिए। अच्छे लोगों को भगवान भी जल्दी ही उठा लेता है, बेनीपुरी जी ये बात कहते हैं, है ना, अच्छे लोगों को भगवान भी जल्दी ही उठा लेता है। बेनीपुरी जी का यह सब चित्र,
या यह रेखा चित्र अत्यंत चुस्त दुरुस्त एवं प्रभावशाली बन पड़ा है। सच है, सच में कहना पड़ेगा ही कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है, जिस तरह से एक शब्द चित्र को उन्होंने प्रस्तुत किया है, इससे हम सच मायने में कह सकते हैं बेनीपुरी जी कलम के जादूगर थे। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू।